हरदोई के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में तंदुरुस्ती हजार नियमित के अंतर्गत 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के कलाकारों द्वारा नाटक मंचन करके उनको विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्मों का प्रदर्शन करके भी जागरूकता प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से GGIC स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सुमन द्विवेदी, शिक्षिका संगीता चौरसिया, ज्योति राजपूत, सुषमा पाठक, RKS के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद हसन, DCP शिव कुमार, फैमिली वेलफेयर काउंसलर गरिमा शुक्ला, अजय शर्मा, साधना सिंह, मोहम्मद शफी खान, बबलू यादव, सुनील यादव, डिविजनल परिवार नियोजन सलाहकार लखनऊ मंडल मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। अभिनवीकरण परियोजना एजेंसी शिक्षा लखनऊ द्वारा तंदुरुस्ती हजार नियामत शीर्षक से इंटर कॉलेजों में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, वीडियो फिल्म व खेलकूद के माध्यम से किशोर किशोरियों को इस उम्र में होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के बारे में, इस उम्र में होने वाले व्यवहार परिवर्तन के बारे में व सही खान पान की आदतों की जानकारी प्रदान की जाएगी तथा किसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो कहाँ और किससे संपर्क करना है आदि की जानकारी प्रदान की गई। वर्तमान में यह कार्यशाला जनपद के 5 इंटर कॉलेजों में चलाई जाएगी, जिसमें आज दिनांक 13/5/19 को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हरदोई में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी प्रकार कार्यशाला का आयोजन 52, टड़ियावा व सुरसा के 1-1 इंटर कॉलेजों में किया जाएगा। धन्यवाद।